नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्यमुखी प्लॉट के बारे में। जब हम प्लॉट के अंदर खड़े होते हैं और कंपास से डायरेक्शन देखते हैं, जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री आता है, उसे नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट कहा जाता है। जिस प्लॉट के एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है और दूसरे कॉर्नर में वेस्ट आता है, तो ऐसा प्लॉट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट कहलाता है, यानी वायव्यमुखी प्लॉट कहलाता है। ऐसे प्लॉट के अंदर घर बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो व्यक्ति अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या जो व्यक्ति ऐसे घर में रह रहे हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं अपनी इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिन्हें आप देख कर, सुनकर, समझ कर अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपका घर काफ़ी हद तक वास्तु अनुरूप बन जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए। मेन गेट आपको नॉर्थ कॉर्नर, यहाँ पर आपको अपना मेन गेट लगाना चाहिए। ये मेन गेट आपके यहाँ धन दौलत आने के साधन बनाता है, तो इसलिए आप अपना मेन गेट नॉर्थ कॉर्नर में लगा सकते हैं। मेन गेट यहाँ पर लगाते समय हमेशा ध्यान रखें, मेन गेट आपका लाइट वेट का होना चाहिए और मेन गेट के जो पिलर है वो आपकी दीवार की मोटाई से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि आपके पिलर दीवार की मोटाई से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ वास्तु दोष बनता है, जिसके कारण आपके यहाँ जो पैसे आने के साधन है वो कम हो जाते हैं। फ्रंट की दीवार हमेशा ही आपको स्मूथ बनानी चाहिए और दीवार ज़्यादा मोटी हैवी नहीं होनी चाहिए। आपके प्लॉट का साइज बड़ा है तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट होते हुए ईस्ट तक इस भाग में, यानी नॉर्थ ईस्ट वॉल के साथ साथ जितना ओपन एरिया आप रख सकते हैं वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियली भी और परिवार की ग्रोथ में भी। तो इसलिए अगर आपके प्लॉट का साइज बड़ा है तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट होते हुए ईस्ट तक नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को कंप्लीट ओपन रखें, पूरी की पूरी बिल्डिंग आप साउथ वेस्ट में बनाएं। ऐसा करने से बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपके प्लॉट का साइज छोटा है और आप लेफ्ट टू राइट अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और आप फ्रंट में भी ओपन एरिया छोड़ना चाहते हैं और बैक साइड में भी ओपन एरिया छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में फ्रंट का ओपन एरिया और बैक साइड का ओपन एरिया दोनों ही बराबर होने चाहिए। और जो नॉर्थ वेस्ट का, यानी यहाँ पर आपने ओपन एरिया रखा है, इतना ही ओपन एरिया आपने साउथ ईस्ट में रखना है। साउथ ईस्ट का फ्लोर लेवल और नॉर्थ वेस्ट का फ्लोर लेवल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। जब आप मेन गेट नॉर्थ कॉर्नर में लगाते हैं तो मेन गेट के ठीक सामने पार्किंग एरिया बनाया जाता है। मेन गेट से एक गाड़ी आपकी यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और आपके घर की जो एंट्रेंस बनती है वो एंट्रेंस आपकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की ओर बन जाती है, जो कि ये एंट्रेंस वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे में आपको अपने यहाँ पर किचन कहाँ बनानी चाहिए? आम तौर पर करते क्या हैं कि मेन गेट के ठीक सामने ही किचन बना लेते हैं। यदि आप नॉर्थ में गेट लगाते हैं और उसके ठीक सामने किचन बनाते हैं तो वो किचन आपकी नॉर्थ ईस्ट में बनेगी। नॉर्थ ईस्ट में किचन बनती है तो कहीं ना कहीं घर के अंदर हेल्थ इश्यूज बनते हैं और पैसे का नुकसान भी होता है और परिवार में बेवजह के झगड़े भी होते रहते हैं, तो इसलिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं बनानी चाहिए। आपको अपने यहाँ पर किचन कहाँ बनानी चाहिए? ये आपका बैक साइड का एरिया है, इसमें ईस्ट का कॉर्नर छोड़ के साउथ ईस्ट, यहाँ से लेके साउथ कॉर्नर तक इस हिस्से में आप अपनी किचन बना सकते हैं। ये किचन आपके घर में हमेशा ही खुशियाँ लेकर आएगी। यदि आप किचन ईस्ट कॉर्नर में बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, तो ये किचन ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में आपने ध्यान रखना है बैक साइड के हिस्से में टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। आपको टॉयलेट कहाँ बनानी चाहिए? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट तक इस हिस्से में आप अपनी टॉयलेट्स बना सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट्स बनाते हैं तो इनका कोई वास्तु दोष नहीं लगता। आपके घर की जो चौड़ाई है, जितनी भी चौड़ाई बनती है उस चौड़ाई के हिसाब से आप रूम बनाएं और टॉयलेट एडजस्ट करें। कोशिश करें कि साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट ना बनाएं और साउथ ईस्ट में साउथ में भी टॉयलेट बिल्कुल भी ना बनाएं। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप अपना मंदिर बना सकते हैं।
अब इसी के साथ आपने ध्यान रखना है फर्श की ढलान यानी फ्लोर स्लोप और छत की ढलान यानी टेरेस स्लोप वो कैसा होना चाहिए, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से ईस्ट की ओर और वेस्ट से नॉर्थ की ओर। आपके यहाँ फर्श की ढलान होनी ही चाहिए। अब ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाना है, सबमर्सिबल लगाना है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाना है, तो वो टैंक आप जो आपका पार्किंग एरिया है इसमें नॉर्थ ईस्ट टू से नॉर्थ की ओर इस जोन में आप बना सकते हैं। आपको अपने यहाँ पर सेफ्टी टैंक बनाना है तो सेफ्टी टैंक आप नॉर्थ वेस्ट जोन में बना सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में स्टेयर्स भी बिल्कुल नहीं बनानी है। स्टेयर्स आप वेस्ट जोन में बना सकते हैं, साउथ जोन में बना सकते हैं। कोशिश करें कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी आप स्टेयर्स ना बनाएं। मजबूरी है तो एक टाइम को आप साउथ वेस्ट में स्टेयर्स बना सकते हैं, लेकिन स्टेयर्स बनाने के कई तरीके होते हैं। मैंने स्टेयर्स के ऊपर कई वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टेयर्स आप नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में बना सकते हैं, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स किसी भी कीमत पर नहीं बनानी चाहिए। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया है कि नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर घर किस प्रकार से बनाना चाहिए और आपका घर बना हुआ है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपका अपना घर बना हुआ है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहाँ पर इस प्रकार से छोटे छोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी साइट का मैप बनवा सकते हैं, और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।